एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के सीआई टैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की मेरी क्लास का टॉपिक है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मीन्स होता है निर्यात, इंपोर्ट मीन्स होता है आयात। हम अपने डेटा को कैसे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भेजते हैं तथा दूसरी कंपनी में हम उसको कैसे रिसीव करते हैं। कहने का मतलब, जब हम कोई भी अपना डेटा एक कंपनी से, जैसे हमारी एक ग्रुप कंपनी हो, तो हम अपनी दूसरी कंपनी में अगर डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो हम एक्सपोर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो जिस कंपनी से हम डेटा को एक्सपोर्ट करते हैं उस कंपनी को हम सोर्स कंपनी कहते हैं, तथा जिस कंपनी में हम डेटा को इम्पोर्ट करते हैं, मतलब जहां पर डेटा का आयात किया जाता है, उसे हम इम्पोर्ट कहते हैं। तो इस टॉपिक में, आज की क्लास में, हम कंप्लीट टॉपिक आपका क्लियर करेंगे, कवर करेंगे, जिससे आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को समझने में बहुत आसानी होगी। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के द्वारा हम स्टेप बाय स्टेप डेटा को ट्रांसफर करते हैं। जैसे हम पहले लेजर को ट्रांसफर करते हैं, फिर हम डेबुक को ट्रांसफर करते हैं, या कह सकते हैं हम वाउचर को ट्रांसफर करते हैं, तथा हम अपनी कंपनी की रिपोर्ट्स को अदर सॉफ्टवेयर में, या हम एज ए फोटो की तरीके से, या इंटरनेट के पेज पर अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक्सपोर्ट ऑप्शन के द्वारा हम अपनी फाइल को जेपीजी फॉर्मेट में, एक्सेल फॉर्मेट में, एचटीएमएल फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में हम एक्सपोर्ट करते हैं अदर लोकेशन में। टैली कंपनी से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स को। तो इस आज की क्लास में हम सारा कुछ करके देखेंगे, प्रैक्टिकली सिस्टम पे हम कैसे करते हैं, कैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, कैसे हम इंपोर्ट करते हैं, वो सारा कुछ मैं करके आज आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो आप लोग अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, तथा हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास को अटेंड कर पाएं। तब वीडियोस को आप लास्ट तक देखें, क्योंकि वीडियोस को जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए जाते हैं वो कहीं आपसे छूट ना जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और वहां पर हम सारा कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कंप्लीट स्टेप प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। एवरीवन, तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप देख पा रहे हैं गेटवे ऐप टैली के मेन मेनू पर हम हैं। हमें आज का टॉपिक, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि आज हमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करके देखना है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर वर्क करने के लिए हमारे पास दो कंपनी का होना बहुत जरूरी है। आप देख पा रहे हैं लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी में एक केसीआई ट्रेडिंग कंपनी है और एक केसीआई ग्रुप्स है। अगर हमें केसीआई ग्रुप्स पर जाना है तो हम क्लिक करके केसीआई ग्रुप्स पर जा सकते हैं। अगर हमें केसीआई ट्रेडिंग कंपनी पर जाना है तो हम यहाँ से क्लिक करके केसीआई ट्रेडिंग कंपनी में जा सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं अकाउंट्स इन्फो में हम आ जाते हैं। अकाउंट्स इन्फो में आप जा करके देखेंगे लेजर्स। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि लेजर्स हमारे पास बना हुआ है। एक हमारी वर्किंग कंपनी है और एक हमारी नॉन वर्किंग कंपनी है। अगर हम देखते हैं केसीआई ग्रुप्स में जा करके, तो अगर हम यहाँ जाएं और यहाँ से हम आपके अकाउंट्स इन्फो पर क्लिक करते हैं, लेजर्स पर जाएंगे और लेजर्स पर जा करके डिस्प्ले करेंगे, तो इसमें हमारा बाय डिफ़ॉल्ट दो लेजर बना हुआ है, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये दो बाय डिफ़ॉल्ट बन जाते हैं टैली कंपनी बनते ही, तो जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। तो इसमें एक नॉन वर्किंग कंपनी, ये कंपनी आपकी जो ओपन है केसीआई ग्रुप्स, ये आपकी नॉन वर्किंग कंपनी है, और केसीआई ट्रेडिंग कंपनी वर्किंग कंपनी है। तो हम करते क्या हैं, अपनी वर्किंग कंपनी के डेटा को हम नॉन वर्किंग कंपनी में ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमने देखा कि लेजर्स नॉन वर्किंग कंपनी, कहने का मतलब केसीआई ग्रुप्स में आपका कोई भी लेजर्स नहीं क्रिएट है, बाय डिफ़ॉल्ट जो लेजर होते हैं बस वही अवेलेबल है, बट आपके केसीआई ट्रेडिंग कंपनी में सारे लेजर्स बनाए गए हुए हैं, बहुत ढेर सारे लेजर बने हुए हैं, आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले में जा करके। ठीक है, हम बैक करके चलते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट वगैरह चेक कर लेते हैं इस कंपनी में, चूंकि ये वर्किंग कंपनी है तो इसमें सारा कुछ रिपोर्ट शो कर रहा है। हम प्रॉफिट एंड लॉस भी चेक करेंगे, चूंकि हमने इसमें लेन देन कर रखा है तो इसमें हमारा सारा कुछ डिटेल शो कर रहा है। अगर हम यहाँ डिस्प्ले में जा करके डेबुक चेक करें, तो डेबुक भी यहाँ पर आपको दिखा रहा है। पहले यहाँ थोड़ा सा पीरियड चेंज करेंगे, चूंकि जब तक हम, चूंकि हमने इधर डेट चेंज करके इसमें वर्क किया है, तो पीरियड हम चेंज करेंगे तभी हमको सारी चीज़ें इसमें कंप्लीटली दिखेंगी। आप देख पा रहे हैं इतने वाउचर्स भी क्रिएट करके रखे जा चुके हैं इसमें। तो हमें करना क्या है, हम अपने लेजर्स को तथा वाउचर्स को अदर कंपनी में ट्रांसफ़र करेंगे। कहने का मतलब केसीआई ट्रेडिंग कंपनी के डेटा को हम केसीआई ग्रुप्स में ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे फर्स्ट हमको क्या करना होता है, पहले हमें लेजर्स को ट्रांसफ़र करना होता है। हम अपने लेजर्स को एक्सपोर्ट करते हैं, और लेजर्स को एक्सपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिस्प्ले में चले जाते हैं। आप देख रहे हैं वर्किंग कंपनी से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसका विशेष ध्यान देना है आपको।
क्योंकि जो हमारा सोर्स कंपनी है वो हमारी वर्किंग कंपनी है, वर्किंग कंपनी ही सोर्स कंपनी होती है, और डेस्टिनेशन कंपनी वो होती है जिसमें हमें डेटा को रिसीव करना होता है, इंपोर्ट करना होता है। अभी आप देख पा रहे हैं एक्सपोर्ट ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, क्योंकि अभी हम उस हमारे पास डेटा नहीं है जिस डेटा को हमें ट्रांसफर करना है, तो हमें उस एग्जैक्ट लोकेशन पे जाना होगा जहां से हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं। डिस्प्ले पर जाएंगे हम, यहां चले जाएंगे, आपका लिस्ट ऑफ अकाउंट है, लिस्ट ऑफ अकाउंट पर आएंगे और यहां से हम क्या करेंगे, अल्ट प्लस ई करें या फिर हम एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दें। हम यहां करते हैं अल्ट प्लस ई, चूंकि हमने बताया है जिस कैरेक्टर के नीचे सिंगल अंडरलाइन होता है उसका शॉर्टकट अल्ट होता है, तो अल्ट प्लस ई कर दिया हमने। एक्सपोर्ट पर हम आ जाएंगे, यहां से हम बैक स्पेस को प्रेस करेंगे, कीबोर्ड में बैक स्पेस बटन होता है। अब यहां लैंग्वेज, ये एक्सपोर्ट लिस्ट ऑफ लेजर, लेजर को एक्सपोर्ट करने की लिस्ट आ गई है, ये जो डायलॉग आपके सामने प्रेजेंट है इसमें हम पूरी सेटिंग करते हैं। लैंग्वेज में हम डिफॉल्ट लैंग्वेज रहने देते हैं, एंटर करके आते हैं हमें फॉर्मेट। जब हमको टैली में ही डेटा को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में डेटा को इंटरचेंज करना है तो हम XML फॉर्मेट में करते हैं, डेटा इंटरचेंज। तो यहाँ फॉर्मेट में हमने XML रख दिया। एक्सपोर्ट लोकेशन, जहाँ मेरी कंपनी सेव होती है, हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, C: प्रोग्राम फाइल टैली tally.erp9, इसमें हमारा एक्सपोर्ट लोकेशन है जहाँ से हम डेटा को एक्सपोर्ट करते हैं, जहाँ पर हमारा डेटा सेव है। नेक्स्ट नीचे हम आ जाते हैं आउटपुट फाइल नेम, आउटपुट जिस नाम से फाइल हमारी जाएगी, चूंकि हम मास्टर भेज रहे हैं, मास्टर के अंतर्गत आपका अकाउंट इन्फो होता है और अकाउंट इन्फो के अंतर्गत आप लेजर बनाते हो, तो लेजर जो है वो मास्टर के अंतर्गत आता है, इसलिए आउटपुट फाइल का नेम है आपका master.xml। हम एंटर करते हैं, ये है ओपन एक्सपोर्टेड फोल्डर, तो हमें फोल्डर ओपन करने की जरूरत नहीं है। जब हम अदर लोकेशन में फाइल को भेजते हैं, मतलब अदर प्रोग्राम में भेजते हैं, अदर सॉफ्टवेयर में भेजते हैं, जैसे हम एक्सेल में भेजते हैं या फोटो फॉर्मेट में भेजते हैं या पीडीएफ फॉर्मेट में भेजते हैं, तो हमें यस करने की जरूरत होती है, बिकॉज हमें लोकेशन पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, डायरेक्टली लोकेशन हमारे पास खुल करके आ जाता है। तो अभी हम इसको नो कर देते हैं, एंटर करके हम आते हैं, यहाँ पर हम लेजर चुनेंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप लेजर ही ट्रांसफर कर सकते हैं, अकाउंट्स इन्फो तथा इन्वेंटरी इन्फो या पेरोल इन्फो के अंतर्गत जितना कुछ हम बनाते हैं हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ ट्रांसफर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कॉस्ट सेंटर कैटेगरी भी आप पढ़ चुके हैं, उसे भी हम यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं, हम लेजर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, हम स्टॉक आइटम कैटेगरीज सारा कुछ हम ट्रांसफर कर सकते हैं, बट आज हमें, अभी मैं एग्जाम्पल में आपको लेजर करके दिखा रहा हूँ। लेजर को हम चुनेंगे, हम यहाँ इसका कंप्लीट जो लेजर में जितनी भी सेटिंग हमने कर रखी है वो सब कुछ हम भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम यस कर लेंगे। एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस, अगर हमने लेजर में ओपनिंग बैलेंस वगैरह दे रखा है तो हम उसे भी यस कर देंगे, तो ये भी चीज़ चला जाएगा। किस डेट से किस डेट तक जाएगा वो डेट इसमें शो कर रहा है, तो हम चाहें तो हम डेट अपना डाल दें, कहाँ से किस डेट से हम लेना चाहते हैं, हम डायरेक्टली स्टार्टिंग डेट से लेना चाहते हैं, तो जो भी डेटा होगा मेरा स्टार्टिंग डेट से चला जाएगा। एंटर करेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे, यहाँ ओवरराइट करने के लिए आ रहा है, यस कर देंगे, डेटा मेरा एक्सपोर्ट हो गया। अब हम चलते हैं, बैक करते हैं, बाहर आ जाते हैं, हम अपनी नॉन वर्किंग कंपनी को ओपन करते हैं, कहने का मतलब KCI ग्रुप्स को, हमें दोनों कंपनियाँ यहाँ ओपन करके रखनी होगी, जो हमारी हाईलाइटेड कंपनी होती है वर्क उसी के अंतर्गत होता है। हम चलते हैं, यहाँ चेक करते हैं अपने लेजर्स में, अभी आप देख रहे हैं कोई भी लेजर नहीं है, जो बाय डिफॉल्ट लेजर होते हैं वही दिख रहा है आपको। हम चलते हैं, बैक करते हैं और यूटिलिटीज ऑप्शन पर हम आ जाते हैं, इसमें ऑप्शन होता है इंपोर्ट ऑफ डाटा, इंपोर्ट ऑफ डाटा पर हम एंटर करते हैं। आप देख पा रहे हैं गेटवे ऑफ टैली इंपोर्ट ऑफ डाटा के अंतर्गत मास्टर, हम चाहे एम प्रेस कर दें या फिर मास्टर पर हम क्लिक कर दें, हम मास्टर पर एंटर करते हैं तो यहाँ इंपोर्ट मास्टर्स लिख के आ जा रहा है, जिसमें नेम ऑफ फाइल टू बी इंपोर्टेड XML, तो हम जिस फाइल को इंपोर्ट कर रहे हैं उस फाइल का नेम डालेंगे, तो यहाँ हम मास्टर लिखेंगे, master.xml, एंटर करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रीज ऑलरेडी एग्जिट्स, तो इसमें हम नए डाटा को ले रहे हैं, तो हम मॉडिफाई विद न्यू डेटा लेते हैं, क्या लेते हैं, मॉडिफाई विद न्यू डेटा, एंटर करते हैं। आप देख पा रहे हैं ये एक्सपोर्ट हो गया, सॉरी इंपोर्ट होकर के आ गया, एक्सपोर्ट तो हम पहले ही कर चुके थे, इंपोर्ट हो गया। अब हम चलते हैं, पुनः चेक करते हैं, अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं, लेजर्स पर जाते हैं और यहाँ से डिस्प्ले करते हैं। आप देख पा रहे हैं सारा लेजर आपके सामने प्रेजेंट हो गया, जबकि हम KCI ग्रुप्स में हैं, और ये लेजर कौन से हैं जो हमारे KCI ट्रेडिंग कंपनी में थे, वो सारा लेजर हमारे KCI ग्रुप्स में आ गया। क्यों? क्योंकि सबसे फर्स्ट हमने एक्सपोर्ट किया अपने KCI ट्रेडिंग कंपनी से डेटा को,
और हमने KCI ग्रुप्स में जाकर के उसको इंपोर्ट कर लिया। जैसे हम कोई भी रजिस्ट्री भेजते हैं किसी के पास, तो जब तक वहां कोई या कुरियर भेजते हैं तो जब तक वो पार्टी नहीं मिलती जिसके पास हमने भेजा होता है, जब तक कोई रिसीव करने वाला नहीं होता है तब तक वो रिसीव नहीं होता। ऐसे ही जब तक हम डेटा का इंपोर्ट नहीं करते तब तक एक्सपोर्टेड डेटा को हम रिसीव नहीं कर पाते हैं। अभी आप लोगों ने लेजर करके देखा, वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए आज मैं केवल लेजर बताऊंगा। नेक्स्ट डे मैं आपको वाउचर भी ट्रांसफर करके बताऊंगा, और वाउचर के बाद हम आपको अपने रिपोर्ट्स को अदर प्रोग्राम में हम कैसे ट्रांसफर करते हैं वो भी मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।